प्रथम तहलका न्यूज। औद्योगिक नगरी पानीपत में जिला योजनाकार विभाग के द्वारा हाईवे पर चल रहे अवैध ढाबों पर एक बार फिर से कार्रवाई करते हुए डीटीपी विभाग का पंजा चला है। वहीं जिला योजनाकार अधिकारी ललित कुमार ने बताया कि हाईवे पर अवैध तरीके से ढाबे बनाए गए थे, जिनमें साझा चूल्हा, मयूर ढाबा और चाप कॉर्नर को गिराया गया है। उन्होंने कहा कि ये सभी ढाबे राष्ट्रीय राजमार्गों के अंतर्गत बने हुए थे। डीटीपी ने बताया कि साझा चूल्हा पर कुछ लोगों के साथ कहासुनी हुई और कुछ लोग मौके पर इकट्ठे भी हो गए थे, जिसके बाद समालखा एसएचओ को बुलाया गया और भारी पुलिस बल आने के बाद मामला शांत हुआ। उन्होंने कहा कि ये सभी ढाबे अवैध तरीके से बने हुए थे, इसीलिए इस पर कार्रवाई की है और इसके लिए सरकार द्वारा आदेश जारी किए गए हैं और आगे भी इस तरह की कार्रवाई चलती रहेगी। आज हमने समालखा में 3 ढाबों के ऊपर कार्रवाई की है, जो कंट्रोल जो हमारे शेड्यूल रोड है नेशनल हाईवे, उसकी रिस्ट्रिक्टेड बेल्ट में ये ढाबे बने हुए थे। 3 ढाबे थे, उनको हमने तोड़ा, जिसमें एक मयूर ढाबा था, एक चाप वर्ड था और एक साझा चूल्हा था। इन 3 पे हमने कार्रवाई की है। सर कोई वहाँ सुना साझा चूल्हे बहसबूस भी थी, आर्गुमेंट साझा चूल्हा में कुछ लोगों ने कुछ रोला करने की कोशिश की, काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, लेकिन फिर बाद में पहले SHO साहब थे नहीं वहाँ पर, उनके आने के बाद फिर स्थिति को उन्होंने कंट्रोल में कर लिया और उसके बाद हमने उसको डिमोलिश कर दिया। कितना पुलिस बल था सर वहाँ? मेरे ख्याल में 35-40 लोग होंगे। हाँ, बाद में फोर्स कुछ और आई थी, पहले कम थी, बाद में फोर्स और आने के बाद फिर और SHO साहब भी आ गए थे मौके पे, उसके बाद फिर उन्होंने स्थिति को संभाल के सर उन्होंने कहा कि हमारा जो ढाबा था वो वैध था, लेकिन जान मुझे गिराया गया। वैध होता तो फिर मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि वैध के ऊपर कार्रवाई कर लूँ। पढ़ा लिखा आदमी हूँ और जो हम इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं उसके फाइनेंशियल रिपरकशन भी हैं। जो कार्रवाई सर आगे भी निरंतर ऐसे चलती रहेगी? बिल्कुल चलती रहेगी जी, आगे कंटिन्यूसली। वहीं एक ढाबे के वकील शेर सिंह खरब ने बताया कि ललित कुमार ये सभी काम गैर कानूनी तरीके से कर रहे हैं, न्यायालय से हमारे पास स्टे ऑर्डर है। ललित कुमार के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है ये गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि पहले ही लोग कोरोना काल से परेशान हैं और अब इस अधिकारी से भी परेशान हो रहे हैं, ऐसे अधिकारी को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाना चाहिए। ये जो कार्रवाई ललित कुमार द्वारा की जा रही है बिल्कुल गैर कानूनी है। हमारे पास स्टे है कोर्ट का, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को पार्टी बना रखा है और तहसीलदार को भी पार्टी बना रहा है। उससे पहले भी इस DTP ने किसी चक्कर में आके पहले भी डेमोलिश किया था, 70-80 लाख रुपए का नुकसान पहले हो गया था। एक तरफ तो कोरोना से पीड़ित हैं, दूसरी तरफ ऐसे अधिकारी से पीड़ित हैं। हम सभी बार एसोसिएशन के सदस्य मांग करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को यहाँ से तुरंत तबादला ही ना, इसको सस्पेंड किया जाए या डिसमिस किया जाए, और हम अपनी कानूनी कार्रवाई भी करेंगे क्योंकि इसने कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है। प्रथम तहलका के लिए पानीपत से प्रदीप रेडू की रिपोर्ट।